बीते 16 अगस्त को नालासोपारा के धान्यबाग में घटना सामने आई थी। एक 15 वर्षीय लड़की जिनका नाम दीक्षा यादव है, वो उस दिन पानी में नाले में बह जाने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पूरा अमला जो है, प्रशासन, प्रशासनिक अमला, सामाजिक लोग काफी परेशान थे, परिवार के लोग काफी परेशान थे। उस घटना में एक नया अपडेट है जो बहुत अच्छी खबर है, आप कह सकते हैं, बिकॉज जो दीक्षा है वो दीक्षा मिल गई है। दीक्षा अपने ननिहाल में है, यूपी में गाजीपुर जिला है, वहाँ पे अपने ननिहाल में दीक्षा पहुँच गई है। और आपको बता दें, दीक्षा का ये जो घटनाक्रम है, कैसे क्या हुआ है, इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, बट उनके पिताजी हमारे साथ हैं, हम लोग बात करेंगे क्या हुआ था उस दिन, घटना के दिन। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, कैसे क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली है, बच्ची आपकी उस दिन बह गई थी, क्या कहेंगे? साहब, बहने के बाद तो हम लोग नाले में ही खोज रहे थे, हम उसके बाद कुछ बात नहीं हमको महसूस हुई थी। अच्छा। कोई बात नहीं, मुझे मालूम था, लेकिन तो वो हम लोग खोजते तो थक गए साहब, 2-3 दिन तक 4 दिन तक मैंने अपने से भी घुसा नाले में, देखा लेकिन पता नहीं लगा। और वो लड़की वहाँ से किधर गई मुझे भी पता नहीं था साहब, मुझे पुलिस प्रशासन को पहले फ़ोन किया। अच्छा। फिर उसके बाद जो हमारे प्रेम परस्पी आदमी हैं उनसे बताया कि साहब भैया मेरी लड़की मिल गई है। मिल गए हैं। तो उन लोगों ने अपना अपना प्रचार जहाँ जहाँ तक सोचे वहाँ तक किए अपना जनाए, और पुलिस ने हमको बुलाया है 10:30 बजे, तो मैं वहाँ जाने के लिए आज तैयारी कर रहा हूँ। दीक्षा 5-6 दिन से घर में नहीं है, कैसा लग रहा था आपको? अरे साहब, मैं क्या बोलूँ, मेरी शरीर बता रही है मैं किस कंडीशन में हूँ, कितना मेरा चेहरा ही खुद ही बता रहा है। पैर में भी लग गया आपको उस दिन, ढूंढ रहे थे? जी, एक पैर में लगा है ना साहब। अच्छा। पैर में तो बहुत जगह लगा है साहब, ये सब कर गया था। तो क्या आप नाले में आप ही घुस गए थे? जी, नाले में घुस करके ही खोज रहे थे साहब, दौड़ रहे थे ना पागल की तरह। बच्ची को आपने उस दिन कुछ बोल दिया था दवाई के लिए? साहब, दवा के खाने के लिए साहब, दवा अच्छा। नहीं खा रही थी और बीमार थी, तो इसलिए मैंने कहा दवा नहीं खा रही तो और रोग बढ़ेगा, और हम गरीब आदमी, फिर रोग बढ़ जाएगा तो साहब, इतना मेरा पैसा नहीं है, कमाता नहीं हूँ, इसमें बारिश में बैठा हूँ साहब, तो थोड़ा मैंने जोर से बोल दिया था, तो मैं क्या जानता था कि मैंने इतना नाराज हो जाएंगी और बिना बताए आप लोग को छोड़ के भाग जाएगी घर पे। अच्छा, तो अभी ननिहाल में बात होती है बच्ची से? साहब, इनकी मम्मी बात करती हैं साहब। अच्छा, हमसे अभी बात नहीं। बिटिया कैसी है अभी? दीक्षा ठीक है? ठीक है, चल रही है ठीक। दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो पापा ने उनके डांट दिया था, इसलिए वो नाराज हो गई और ननिहाल भाग गई है। हाँ। तो अभी फिलहाल कैसी आपसे बात होती है? बोले कि ठीक है मम्मी, दवा चल रहा है, अभी खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, दवा आई है। अच्छा, ठीक है सब। अच्छा अच्छा, तो आप कैसे, आप खुश हैं ना? टेंशन मत लेना मम्मी, मैं ठीक हूँ। तो आप तो बहुत परेशान थे उस दिन, आपका रोना सुन के मैं भी आपके पास नहीं आ पाया था। अब कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी को बहुत अच्छी खबर मिली है? अच्छा लग रहा है मुझको, मेरी बेटी मिल गई मुझको, बहुत अच्छा है, जिंदा मिल गई मुझको, बहुत अच्छा है। हमारे साथ दीक्षा के भाई हैं, छोटे भाई, जिन्होंने देखा था कि बहनी जो है वो नाले में उस दिन गिर गई थी। वो क्या नाम है आपका? मैं देखा था दीदी को कि बात वो नाले में थी। अच्छा, गिर गई थी? गिर गई थी। अच्छा, ठीक ठीक। अभी आपके सिस्टर, आपकी दीदी मिल गई, कैसा लग रहा है? अच्छा।